वन एवं पर्यावरण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई रविवार को एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर आए। राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई ने वार्ड संख्या 22 में आयोजित हुए नारी शक्ति महिलाओं का सम्मान समारोह में शिरकत की। समारोह में नारी शक्ति के साथ सभापति दिलीप माली व अन्य कांग्रेसी पार्षदों का सम्मान किया गया। राजस्थान सरकार के वन मंत्री सुखराम विश्नोई अपने एक दिवसीय दौरे पर रविवार को बाड़मेर आए, जहां उन्होंने नगर परिषद के नव निर्वाचित पार्षदों के स्वागत एवं नारी शक्ति महिलाओं के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। टाउनशिप रोड पर वार्ड संख्या 22 में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भामाशाह भंवरलाल खोरवाल व वार्ड संख्या 22 के पार्षद भीमराज खोरवाल द्वारा आयोजन किया गया। आयोजन में बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन बतौर अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में भामाशाह परिवार द्वारा वन मंत्री विश्नोई का 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री विश्नोई ने राज्य सरकार की ओर से स्कूल, सड़क, अस्पताल जैसे विकास के कामों में कोई कसर बाकी नहीं रखने और पूरी जिम्मेदारी से अपने सभी वादे निभाने की बात कही। कार्यक्रम में बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने लगातार तीसरी बार कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए जनता को धन्यवाद देते हुए इसे जनता की जीत बताया। उन्होंने शहर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ने के अपने वादे को दोहराया। अंजलाराम जी कोरवा जो इनके भाई है, उनसे निवेदन है, एमएलए साहब का स्वागत कर रहे हैं हमारे राज संख्या 22 के पार्षद भीमराज जी। अर्थ करें सभी लोगों से निवेदन है, बहुत बढ़िया। शहर के वार्ड संख्या 22 में आयोजित हुई स्वागत एवं नारी शक्ति महिलाओं के सम्मान समारोह में नगर परिषद के उपसभापति सुल्तान सिंह, बाड़मेर प्रधान पुष्पा चौधरी, पार्षद ठाकराराम माली, मनोज जैन, महावीर जैन, संपदराज बोधरा समेत कई अतिथि मौजूद रहे।